कल हम लोगों ने सुना था किस प्रकार से श्रील भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज अपने गुरु श्रील प्रभुपाद के मन के अंतरंग भावों को समझते थे। श्रील प्रभुपाद ने बस शॉर्ट में पत्र के माध्यम से उनको लिख करके भेजा। क्या लिख करके भेजा? कुरुक्षेत्र में राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए जा रही हैं, हमारे लिए भी वहाँ कुछ सेवा है। बस इतना ही लिख करके भेजा और कुछ नहीं बताया। अभी इतने से क्या समझेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं समझ सकते। लेकिन उन्होंने सारी बात को समझ लिया और इतने से ही उन्होंने कुरुक्षेत्र में एक प्रदर्शनी लगाई। उस प्रदर्शनी में कुरुक्षेत्र से संबंधित जितनी लीलाएँ हैं वो सारी लीलाएँ प्रदर्शनी के माध्यम से वहाँ जितने भी भक्त आते थे उनको समझाया और इस प्रकार से प्रचार कार्य किया। वो बहुत ही कुशल वक्ता थे, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उनको टाइटल दिया था वाग्मी प्रवर। वाग्मी प्रवर का मतलब क्या होता है? प्रवर माने श्रेष्ठ, वाग्मी माने बोलने में बहुत कुशल वक्ता थे। आगे हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार से उन्होंने विदेशों में प्रचार किया, जहाँ पर कि जर्मनी जैसे देशों में जहाँ पर कि हिटलर इंग्लिश भाषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वहाँ पर न हिंदी में प्रवचन दे सकते न इंग्लिश में प्रवचन दे सकते। और ऐसे स्थानों में जाकर भी उन्होंने लोगों को इतना प्रभावित किया कि वहाँ से भी कई लोग उनके अनुयायी बन गए और बाद में उनको प्रभुपाद जी के चरणाश्रित कराया। इस प्रकार से वो कुशल वक्ता थे और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था उनको। घंटों घंटों तक हरी कथा बोलते रहते थे, लेकिन उनका न तो कभी गले में कोई प्रॉब्लम होती थी और न ही कभी उन्हें थकान का अनुभव होता था। तस्मिन महन मुखरिताम मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता श्रवण। ये श्लोक को उन्होंने अपने जीवन में साक्षात चरितार्थ करके दिखाया। क्या बताया इस श्लोक में? कि भगवान के भक्तों के मुख से हरि कथा रूपी अमृत की नदियां प्रवाहित होती। उन कथाओं को जो अमृत को पान करेगा तो उसको कभी तृप्ति होगी? नहीं होगी। हमको ये अमृत के समान नहीं लगता है, इसलिए नींद आ जाती। हमको क्या लगता है? ऐसा लगता है सिर के ऊपर किसी ने भारी बोझ रख दिया। यही है अनर्थों का लक्षण। जैसे जैसे अनर्थ दूर होते जाएंगे उस समय उतनी ही मात्रा में क्या होगा, इन हरि कथा में ही बड़ा आनंद अनुभव होने लगेगा। फिर भूख प्यास ताम ये पिबंत अवित्रिशो नृप गाढ़ करणई, जो उनको गाढ़ करणई माने कान रूपी दोनों में भर भर करके उन कथाओं को पान करते हैं, स्थान न स्पृशति उनको स्पर्श नहीं करते, त्रित शोक मोह भयाव, भूख प्यास शोक मोह उनको कुछ भी नहीं लगता। और उसका प्रमाण है श्री परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने वाली हरि कथा रूपी अमृत को 7 दिन तक निरंतर पान करते रहे, न उनको भूख लगी न प्यास लगी न बैक पेन हुआ न नींद आई, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये वास्तव में अमृत है। लेकिन हमको अभी इस बात की अनुभूति है ही नहीं, इसी कारण से हमको उन कथाओं में इतना आनंद नहीं आता। देखो आनंद ना आने का कारण भी क्या है, मूल कारण में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आत्मा की स्वाभाविक रुचि है, आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास जीवात्मा है। मन बुद्धि ये कृष्ण के नित्यदास नहीं है, ये क्या है, ये तो माया के दास है। मन बुद्धि इंद्रियां जो 24 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है ये किसका दास है? ये माया का दास है, ये माया के अधीन होकर के चलता है। भगवान ने गीता में ये बात बोली भी, क्या ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान है।
रामेण सर्वभूतानि, और सारे जीवों को वो भ्रमण करा रहे हैं 84 लाख योनियों में। कैसे? यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे कि जो यंत्र यानी कि जब गाड़ी होती कार में, अब यात्री पीछे बैठा हुआ है, ड्राइवर चला रहा है, ड्राइवर जहाँ जा ले जाएगा यात्री को जाना पड़ेगा, ऐसे ड्राइवर है माया। और ईश्वर कुछ नहीं करते, ईश्वर भ्रमित, ईश्वर कुछ नहीं करते, वो माया को प्रेरणा देते, माया फिर उसके कर्मों के हिसाब से उसको 84 लाख योनियों में भ्रमण कराती है। माया समझो ड्राइवर है और जीव बेचारा बैठा है पीछे। तो जो माया है वो इन 24 तत्वों के द्वारा ही जीव को भ्रमण कराती है, क्योंकि उसकी अधिष्ठा उसकी स्वामिनी वही है। तो हमारे उसमें 24 तत्व मन बुद्धि अहंकार सब आ गए, तो माया इनकी कंट्रोलर है, ये माया के दास है ये 24 तत्व। और जो जीवात्मा है वो कृष्ण का नित्य दास है। तो अभी जो हमारी अवस्था है उसमें क्या है, हमारे अंदर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर इन सब में ही आ सकती है, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। तो जीव क्या है, ये 24 तत्वों की हमारे अंदर प्रधानता है, मन बहुत प्रबल है, बुद्धि बहुत प्रबल है, और ये सब जड़ है। जड़ होने के कारण ही इनको वो जो हरि कथा रूपी रस है उसका आस्वादन नहीं हो पाता। भजन करते करते जब अनर्थ दूर हो जाते हैं तो फिर क्या तुम सोचते, फिर तब क्या जड़ मन और जड़ बुद्धि में फिर ये आस्वादन होने लगेगा? ये जड़ मन बुद्धि से कभी आस्वादन नहीं होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तो फिर कैसे आस्वादन हो जाता है? अभी हमने कहा जैसे जैसे अनर्थ दूर होंगे फिर यही कथाएं हमको अमृत के समान लगने लगेंगी। तो मन तो वही है, बुद्धि भी वही है, और अभी हम कह रहे हैं कि इस मन और इस बुद्धि के द्वारा उसका आस्वादन कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जड़। तो फिर कैसे आस्वादन होता है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस बात को श्री माधुर्य कादंबिनी में बताया। साधक जब भजन करना प्रारंभ कर देता है तो उसके शरीर के 2 अंश हो जाते हैं, एक चिन्मय अंश एक जड़ अंश। जड़ तो पहले से ही था, चिन्मय अंश एक शुरू हो जाता है। जितनी मात्रा में भजन करता है अनर्थ दूर होते जाते हैं, क्योंकि भक्ति चिन्मय वस्तु है। तो वह चिन्मय वस्तु के प्रभाव से क्या होता है, ये जो जड़ इंद्रियां हैं, जड़ मन है, जड़ बुद्धि है, इनमें चिन्मयत्व आना शुरू हो जाता है। जब तक इनमें चिन्मयत्व नहीं आएगा तब तक हरि कथा का आस्वादन नहीं हो सकता। यही कारण है कि बड़े बड़े तपस्वी लोग ये सब होते हैं, इनके अंदर शक्तियां तो बहुत होती हैं, कर्मी भी ऋषि होते हैं, है ना? जो राजा लोग ऋषि होते थे, सारी जीवन कर्म किया, फिर बाद में जाके बड़े तपस्वी बन जाते थे। धृतराष्ट्र भी कम नहीं था, उसने भी इतना मोह, करोड़ों लोगों को मरवा दिया उसने महत्वाकांक्षा के लिए। अंधा होने पर भी इतनी महत्वाकांक्षा थी उसके अंदर, और वो भी जब विदुर ने उसको बहुत सारा अपमान किया, खूब समझाया, उसकी भर्त्सना की, तब वो भी सब छोड़ करके वन में चला गया, ब्यास जी के आश्रम में चला गया, और वहाँ भी तपस्या में इतना तपस्या अर्जित कर ली उसने, अपने शरीर को अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया। तो क्या भक्त बन गया वो? तो कर्मी भी ऋषि होते हैं, ज्ञानी भी ऋषि होते हैं, तपस्वी भी ऋषि होते हैं, और भक्त भी ऋषि होते हैं। लेकिन ये जो कथा में रुचि होगी ये कर्मी ज्ञानी और तपस्वियों की नहीं होगी। क्यों? यही हमने बताया, देखो इस बात को समझो, इसका प्रमाण है ये जो अभी हमने कहा कि जड़ बुद्धि और जड़ मन के द्वारा भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती अनर्थ न होने पर भी। अब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भी तो मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो कोई अनर्थग्रस्त अवस्था में कभी मुक्ति प्राप्त कर सकता है क्या? कभी नहीं प्राप्त कर सकता, यानी कि उसके अनर्थ पहले दूर हो जाएंगे। जब सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं अब वो उसको मुक्ति मिलने वाली है, तब भी क्या भगवान की कथा में रुचि होती है? नहीं होती। कथा में रुचि होती तो भक्त नहीं बन जाता, फिर मुक्ति क्यों चाहता? इसका मतलब कि अनर्थ न होने पर भी ये जड़ मन और जड़ बुद्धि से भगवान की कथा में रुचि नहीं होती। इसलिए भक्ति जो चिन्मय वस्तु है उसके प्रभाव से जब इंद्रियों में चिन्मयत्व आ जाता है
और आत्मा तो कृष्ण की नित्यदास है ही है। उस समय ये बोला गया तान्ना इस प्रसिद्धि तृत शोक मोह भया, उस समय पर शोक मोह भय भूख प्यास ये सब कुछ भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद और उनके जो आश्रित जन है वो उसी कोटि के भक्त साधारण नहीं है, इसलिए उनको हरि कथा बोलने में हरि कथा सुनने में कभी भी न भूख लगती है न प्यास लगती है न दर्द होता है। श्रील परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो कहते हैं कि जब प्रभुपाद हरि कथा बोलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था उनके सौ सौ मुख हो गए, मतलब इतना आवेश में बोलते थे कि जैसे लगता था जैसे जो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने जो श्लोक लिखा है तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेव्य स्पृहम चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता कियत भी अमृत ही कृष्णे तिबाण गई। क्या मतलब है इसका बताओ? नाम की महिमा बताते हुए श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं यद्यपि नाम की बहुत महिमा शास्त्र में दान की गई है और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की उपाधि दी, लेकिन जब रूप गोस्वामी पाद ने ये श्लोक लिखा तब नामाचार्य हरिदास ठाकुर स्वयं कीर्तन नृत्य कीर्तन करने लगे और उन्होंने स्वयं प्रमाणित किया कि इससे अच्छा श्लोक अभी तक नाम की महिमा के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि नाम से करोड़ों पाप नष्ट हो गए ये कोई नाम की महिमा हुई? नाम चिन्मय वस्तु अभिन्नत्वात् नाम नाम मधुर मधुर में तम मंगलम मंगला नाम है सकल निगम वल्ली सत्कलम चित स्वरूपम, नाम चिन्मय वस्तु है, ये नाम की महिमा नहीं करोड़ों पाप नष्ट करना। फिर क्या है जो बताया श्री गुरु गोस्वामी बाप शुद्ध नाम की क्या महिमा है कि जब भक्त के जीवा पर ये उदित होते हैं तुंडे तांडवनी रतिम वितुनते, जब जीवा पर उदित होते हैं तो ऐसी इच्छा होती मेरी कोटि कोटि जीवाएं हो जाती, इतना आनंद होता है भक्त को। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जिस समय हरि कथा बोलते हैं तो उनको क्या होता है हृदय में इतना आनंद होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कोटि कोटि मुख हो जाए, वो बोलने के समय इतना उत्साह होता है इतना आनंद होता है घंटों घंटों पता ही नहीं चलते। तुंडावली लग गए कर्ण क्रोड कदम भी नहीं घटे, जब ये नाम कान के द्वारा हृदय में प्रवेश कर जाता है तो ऐसा आनंद होता है कि करोड़ों करोड़ों कान हो जाए, क्योंकि एक कान से इतना आनंद नहीं आ रहा है, कोटि कोटि कान हो जाए तो कितना आनंद होगा, इस प्रकार की भाव उदित हो। चेता प्रांगण संगिनी विजय थे सर्वेन्द्रियाणाम करते, जब कान के माध्यम से फिर नाम ने हृदय प्रवेश कर दिया तो क्या होता है सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते, स्तब्ध हो जाता है और चित्त जो है स्तब्ध हो जाता है, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाता है। नो जाने जनता की यद्य अमृति, कौन जानता है कि इस कृष्णेति वर्ण द्वई ये जो दो वर्ण है कृष्ण इनमें कितना अमृत भरा हुआ है, जिसकी इतनी महिमा है कि आस्वादन करने के समय ऐसी भाव होता है कि करोड़ों करोड़ों मुख हो जाए करोड़ों करोड़ों कान हो जाए और हृदय में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, ये नाम की वास्तविक महिमा। इसी प्रकार से जब भक्त लोग हरि कथा करते हैं ना हरि कथा में क्या होता है भगवान का नाम उनकी महिमा गान यही तो होता है, तो उसमें भी उस समय क्या होता है उनको भी ऐसा प्रतीत होता है मेरा एक ही मुख क्यों है कोटि कोटि जीवा हो जाए भगवान की महिमा को मैं करोड़ों करोड़ों मुख से गान कर सकूं। इसलिए श्रीला महाराज जी ने श्रीला बंद गोस्वामी महाराज जी ने निरंतर श्री गुरु गौरांग की शुद्ध भक्ति की वाणी को बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक और हिमालय तक बड़े उत्साह के साथ प्रचार किया, बहुत सारे स्थानों में गए मद्रास काशी नैमिषारण्य कुरुक्षेत्र और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के समय में जिन्होंने सबसे ज़्यादा विदेश में प्रचार किया
वो श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज। उस समय उनको बहुत बार श्रील प्रभुपाद ने विदेश में भेजा था। योग्य प्रचारक को भेजना, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या घोषणा की, पृथ्वी के आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे हो रहा, कि पृथ्वी पर जितने भी नगर ग्राम है एक दिन ऐसा आएगा कि वहां सब जगह मेरा प्रचार है। अब ठाकुर भक्ति विनोद ने भी बहुत सारा प्रचार किया, लेकिन वो भी भारत तक ही सीमित रह गया। श्रील प्रभुपाद वो भी कभी विदेश नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से महाप्रभु की उसी वाणी को सत्य सिद्ध कर दिया। कौन सा, पृथ्वी तयाचे जत नगर आदि ग्राम, जितने भी पृथ्वी पर नगर और ग्राम है उन सब में एक ना एक दिन महाप्रभु का नाम कीर्तन होगा, उसका प्रचार होगा। कैसे किया, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के माध्यम से और अन्य अन्य शिष्यों के माध्यम से। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को भी प्रभुपाद ने विदेश भेजा था, और बाद में श्रील स्वामी महाराज जी तो गए ही, हमारे श्रील गुरुदेव भी गए। इन लोगों ने क्या किया, उसी महाप्रभु की वाणी को जाकर के विदेश में प्रचार करके चरितार्थ किया। तो प्रचार करने से पहले श्रील प्रभुपाद ने एक बार जब श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल प्राइज मिला, साहित्य का शायद नोबेल प्राइज मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये विदेश से आए थे, तो श्रील प्रभुपाद महाप्रभु की वाणी को विदेश में प्रचार करना चाहते थे, क्योंकि इस महाप्रभु जो महाप्रभु की जो बात को सत्य सिद्ध करने के लिए कि सारे विश्व में एक दिन मेरा नाम का प्रचार होगा, तो करें कैसे, प्रारंभ कैसे करें, इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने श्री रविन्द्रनाथ टैगोर से जाकर के वार्तालाप किया, उनसे मिले और मिलकर के पूछा, आपके विचार से श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए प्रचारक को सबसे पहले कौन से देश में जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर से ये बात पूछी कि हम लोग प्रचार करना चाहते हैं विदेश, आपके विचार से कौन सा देश सबसे सूटेबल रहेगा, उपयुक्त है, जहाँ से हम अपना प्रचार प्रारंभ करें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, देखो भाई कहीं मत जाओ, चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि पहले ही तुम लोगों से पहले ही विदेश में बहुत सारे लोग धर्म के प्रचार के लिए गए और उन अनैतिक व्यक्तियों ने साधुओं की छवि को खराब कर दिया, उल्टे पुल्टे काम किए, उससे साधुओं की छवि बड़ी खराब है विदेश में, और तुम लोग जाओगे तो कोई प्रचार प्रचार होगा नहीं, उल्टा अपमान ही होगा। ये बात उन्होंने बोली। अनैतिक व्यक्तियों ने साधुओं की छवि को कलंकित कर दिया है, परिणाम स्वरूप विदेशियों की भारतीय साधुओं में कोई श्रद्धा नहीं। जैसे इस समय तो भारत में ही ऐसी स्थिति है, पहले विदेश में थी कि भारतीय साधुओं में श्रद्धा नहीं थी, अब यहाँ पर ही इतने अनैतिक साधु प्रकट हो गए हैं कि उन्होंने साधुओं की छवि को इतना कलंकित कर दिया है कि अब साधुओं की बात कोई सुनता ही नहीं, साधु को कपड़ा देख करके लोग घृणा करने लगे। तब श्रील प्रभुपाद ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महाप्रभु की शिक्षाओं के विषय में बताया कि हम किस बात का प्रचार करना चाहते, यानी जीवों का स्वाभाविक जो धर्म है वो जैव धर्म, जो भी बताया आत्मा का धर्म भक्ति, हम लोग ये शारीरिक धर्मों के संबंध में कोई बात नहीं करना चाहते। और महाप्रभु की शिक्षाओं को बताने के बाद, रविन्द्रनाथ टैगोर को बताने के बाद बताया कि भगवान प्राकृत साधनों से प्राप्य हैं, ऐसा विश्वास करने वाले प्रचलित अब संप्रदाय को प्राकृत सहजिया कहा। इसलिए प्रभुपाद ने क्या बोला कि ये लोग जो प्रचार करने अब तक गए हैं, ये लोग क्या सोचते हैं भगवान ऐसे मिल जाएंगे, भगवान वैसे मिल जाएंगे, प्राकृत साधनों से यानी जागतिक चीज़ों से ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे, इस प्रकार की जो विचारधारा है इसको बोला श्रील प्रभुपाद ने अप्राकृत सहजिया, प्राकृत सहजिया।
तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनकी वाणी को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए, और उसके साथ ही साथ क्योंकि उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका पूरा साहित्य का ज्ञान था, तो उन्होंने देखा जब प्रभुपाद ने प्राकृत सहजिया इस शब्द का प्रयोग किया तो रविन्द्रनाथ टैगोर का दिमाग चक्कर खा गया। कहते ये कौन सा वर्ड है, इतनी सारी हिंदी की डिक्शनरियाँ पढ़ी हैं, कभी आज तक ये शब्द सुनाई नहीं दिया, कभी न तो सुनने को मिला ना पढ़ने को मिला, ये शब्द कहाँ से आ गया, प्राकृत सहजिया। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रश्न किया, प्राकृत सहजिया का यथार्थ तात्पर्य क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं शब्द से, मैंने न तो यह शब्द पहले कभी सुना है और न ही किसी शब्दकोश में देखा, इसलिए प्रभुपाद की ऐसी वैशिष्ट था, क्यों, क्योंकि वो वैकुंठ की वार्ता को इस जगत में लेकर के आए और वैकुंठ के शब्द यहाँ कहाँ मिलेंगे, इसलिए लोग तो उनके दिमाग घूम जाते थे जब वो बात करते थे, बड़े बड़े स्कॉलर दार्शनिक उनकी बात को समझ ही नहीं पाते थे कि बोल क्या रहे, क्योंकि वो इस जगत की कोई बात बोलते नहीं, इसलिए प्राकृत बुद्धि के द्वारा श्री प्रभुपाद की वाणी को समझना असंभव। यही देखो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ भी वही हुआ, बड़े साहित्यकार नोबेल प्राइज जीत करके आए लेकिन एक शब्द भी समझ नहीं पाए, श्री प्रभुपाद ने कहा, अब उन्होंने जो व्याख्या की कितनी सुंदर व्याख्या, श्री प्रभुपाद ने कहा सहजिया का अर्थ होता है सहज, सहज माने सह, माने साथ में, ज माने जन्म लिया, सहज साथ में जन्म लेने वाला अर्थात एकदम बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि एक माँ है उसकी एक संतान है, उसने एक संतान को जन्म दिया, अब वो माँ को अपनी संतान को प्रेम करने के लिए सोचना पड़ता है, जैसे ही संतान का जन्म हुआ साथ ही साथ उसके प्रति प्रेम का भी जन्म हो गया, तो माता का जो पुत्र के प्रति प्रेम है वो कैसा है, सहज स्पॉन्टेनियस इसको बोलते हैं, उसमें कुछ भी चेष्टा इत्यादि करनी नहीं पड़ती, इसीलिए प्रभुपाद ने बताया उसी प्रकार से जो भक्ति जगत में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति सहज प्रेम, यानी कब से वो प्रेम है, जब से कृष्ण है जब से ब्रजवासी है तब से ही वो प्रेम है, कभी ऐसा नहीं कि बाद में पहले उन्होंने अभ्यास किया प्रेम उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं है, और उसके लिए उनको कोई चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती कि प्रेम करने के लिए हमको चेष्टा करनी पड़े, जैसे हमको भजन साधन हरिनाम करने के लिए बड़ी चेष्टाएं करनी पड़ रही हैं, सहज नहीं हमारा भजन क्या है, बुद्धिपूर्वक है, है माया में जो भोग वृत्ति है वो हमारी सहज है, इसलिए भजन करते करते भी बीच बीच में भोग वृत्ति प्रकाशित हो जाती है क्योंकि वो सहज है। इसी प्रकार से जो ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है वो क्या है, सहज, कृष्ण के प्रति स्वाभाविक नित्य निरंतर अहेतुकी प्रेम को उसी को सहज प्रेम कहते हैं, और उनका प्रेम कृष्ण को भगवान कहने की जो शास्त्र वचन है उसकी अपेक्षा नहीं रखता कि भगवान कृष्ण भगवान है इसलिए प्रेम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, उनके किसी के पुत्र हैं किसी के सगा हैं किसी के प्रियतम हैं उसी से उनको प्रेम है, यहाँ तक कि जिनका कोई संबंध नहीं है गाय बछड़ों का क्या संबंध है, और गाय बछड़ों को भी मान लो चलो कि कृष्ण इनके मालिक हैं तो मालिक से प्रेम होता है पशुओं का, तो वो जो जंगल में जाते हैं घासों का लता पता का और जो पेड़ है उनका क्या संबंध है कृष्ण से, जो वन के जो पशु पक्षी हैं उनका क्या संबंध है पशु कृष्ण से, कुछ संबंध नहीं है, लेकिन प्रेम कैसा है, सहज स्वाभाविक प्रीति, इसी को कहते हैं रागात्मिक भक्ति, जिनकी आत्मा में ही राग है, इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रज के नित्य सिद्ध परिकर जैसे कि नंद यशोदा श्रीमती राधा रानी और अन्य ब्रजवासी ये सहजिया भक्तों के ज्वलंत उदाहरण, इनको सहजिया भक्त कहा जाता है, तो सहजिया भक्त का तात्पर्य क्या हुआ, जिनकी आत्मा में कृष्ण के प्रति सहज प्रेम। लेकिन अब बात कहां से चली थी, प्राकृत सहजिया, अब ये सब कौन हो गए,
वो जित वो जो जगत है चित जगत, उसको क्या कहते हैं? अप्राकृत जगत। पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं। कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान, जो इस जगत में देखते हम इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान, जो स्वर्ग लोक इत्यादि का ज्ञान है, ब्रह्म लोक तक, सत्य लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, ये सब परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, गिरजा के बाद सिद्ध लोक आता है, सिद्ध लोक ब्रह्म लोक भी कहते हैं उसको, जहाँ पर मुक्ति कामी लोग जाते हैं, वो उसका ज्ञान क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान। चौथा होता है अधोक्षज ज्ञान। अधोक्षज ज्ञान क्या होता है? अधोक्षज है भगवान नारायण वैकुंठ, वो अधोक्षज है, वहाँ वैकुंठ का जो ज्ञान है वो अधोक्षज ज्ञान। और जो भगवान कृष्ण का लोक है वो है अप्राकृत जगत, इसलिए वहाँ का जो गोलोक का ज्ञान है वो कैसा है? अप्राकृत ज्ञान। तो इसलिए जो उनका प्रेम है कृष्ण के प्रति वो क्या है? अप्राकृत प्रेम। इसलिए उनको क्या कहा गया? अप्राकृत सहजिया। लेकिन इस जगत में भी देखते हैं कि आजकल कई अयोग्य लोग, बद्ध जीव, इन अप्राकृत भावों को कपटता पूर्वक अनुकरण करके लोगों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रभु जी ने बताया था ना, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया था, अष्ट सात्विक विकार जो भाव भक्ति के लक्षण बताए, भाव भक्तों के दो प्रकार के लक्षण बताए, कौन कौन से बताओ रंजन? एक अंदर के, एक बाहर के। ये शब्द तो यूज कभी नहीं किया गया, अंदर का और बाहर का। अरे भाई, जो अष्टसात्विक विकार हैं वो तो अंदर से ही तो प्रकट होते हैं, बाहर में तो खाली उनका रिएक्शन दिखाई देता है, तो तुम अंदर बाहर से कैसे बोल सकते हो? मुख्य लक्षण और गौण लक्षण ऐसे बोलो, अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं है। हाँ तो बताओ, गौण लक्षण कौन से हैं? और मुख्य? अरे ऐसे ही बता दो, इस बिना श्लोक के। देखो, मुख्य लक्षण होता है उसको स्वरूप लक्षण भी बोलते हैं, और जो गौण लक्षण होते हैं उनको तटस्थ लक्षण भी बोलते हैं। स्वरूप लक्षण की परिभाषा क्या है इसको समझो। स्वरूप लक्षण वे लक्षण हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होता है। जो वस्तु के अपने स्वरूप में ही है, नाम से ही पता चला, स्वरूप माने अपना रूप जो अब उसके अंदर ही है। तो जिन गुणों के द्वारा किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान होता है उनको स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर का स्वरूप लक्षण क्या है? क्या वो कान में स्टेथोस्कोप लगाए हैं, उसके पास बीपी चेक करने की मशीन है, ये उसके स्वरूप लक्षण है? ये तो तुम्हारे पास भी हो सकते हैं, बाजार में मिलता है 1000 रुपये में, खरीद लाओ। स्वरूप लक्षण क्या है? जो डॉक्टर का ज्ञान, जो उसने 5 साल तक MBBS में पढ़ाई करी, वो उसका स्वरूप लक्षण। दूसरा तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण इनको कहते हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु का परिचय प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे डॉक्टर की ड्रेस, डॉक्टर की ड्रेस क्या है? कोई भी पहन सकता है। आतंकवादी लोग भी डॉक्टर की ड्रेस पहन करके और मर्डर कर देते हैं, तो कोई खाली ड्रेस पहने तो वो डॉक्टर ही है? निश्चित रूप से हो भी सकता है, लेकिन डॉक्टर लोग ड्रेस पहन कर ही रहते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। इसी प्रकार से जो अष्टसात्विक विकार हैं ये तटस्थ लक्षण है, क्योंकि इनके द्वारा कोई व्यक्ति भाव भक्त है ये पता चल भी सकता है और नहीं भी पता चल सकता। इसलिए बताया था कि 4 प्रकार का आभास होता है, रत्याभास, सत्वाभास, निसत्व और प्रतीत। रत्याभास किसे कहते हैं? अब देखो, कोई ज्ञानी है,
काशी में बैठा हुआ है, काशी में सारी जिंदगी उसने ज्ञान का अवलंबन किया, बड़ी मेहनत करी, चित्त शुद्ध होता नहीं, अंत में उसने सुना कहीं से कि हरि नाम करने से बड़ी जल्दी चित्त शुद्ध हो जाता है, हरि नाम का आश्रय ले लिया, बहुत जल्दी चित्त शुद्ध भी हो गया। अब जब चित्त शुद्ध हो गया, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब वो सोच रहा है बैठ करके कि देखो ज्ञान जैसी इतनी दुर्लभ वस्तु मुझे हरि नाम से कितनी सहज में प्राप्त हो गई। और ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो परम भक्त, क्योंकि ये तो भक्ति के लक्षण है, स्वरूप लक्षण भाव भक्त, ये भाव भक्त है। वो भाव क्या, वो तो भाव भक्त तो है ही नहीं, कभी बनेगा भी नहीं, वो तो मुक्ति में जाने वाला है, सायुज मुक्ति, वहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रत्याभास। सत्वाभास, कोई सरल हृदय व्यक्ति, हम देखते थे अपनी, मेरी माता जी हैं, वो जब रामायण आती थी ना, और वो जब भरत मिलाप हो रहा है राम जी के साथ में, और जब उस समय सारी माताएं रो रही हैं, गुरुजन भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, मेरी माता जी भी इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं। अब उसको रोते, उनको रोने को देखकर देख तो, अब देख क्या रही हैं, भगवान का वो वही तो देख रही हैं लीला, तो वो लीला को देख करके भावभक्त का यही लक्षण है, रोमांच कंप अश्रु इत्यादि हो जाते हैं लीला में देख करके। दूसरा उदाहरण देंगे हम, परम गुरुदेव का भी देंगे, तो क्या मेरी माता जी भावभक्त हो गई, नहीं। फिर क्या है, ये सरल हृदय व्यक्ति है जो कि भावुक है, उन लीलाओं को देख करके उसके हृदय में वो भाव जाग जाते हैं और उसके अंदर रोमांच कंप अश्रु इत्यादि दिखाई देते हैं। दूसरी ओर श्री परम गुरुदेव का भी वर्णन मिलता है, सब भावभक्त भी ऐसे ही करते हैं। श्री गुरुदेव बताते हैं, एक बार उन्होंने दामोदर लीला पाठ की यहीं केशव जी गौड़ी मठ में मथुरा, और गुरुदेव को, गुरुदेव परम गुरुदेव को दामोदर लीला सुना रहे थे, और जब उन्होंने बताया कि अब कृष्ण नाराज हो गए, बांध दिया ना मैया ने, बांध दिया, फिर उसके बाद वो उन्होंने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कर दिया, नंद बाबा आ गए, बहुत गुस्से में आए, किसने बांधा कन्हैया, कन्हैया ने बिल्कुल रोते हुए मैया ने बांधा, तो गुस्सा आ रहे थे, नंद बाबा कह रहे थे बताओ किसने बांधा, पिटाई लगाऊंगा, मैया का नाम सुना तो चुप हो गए, लेकिन गुस्सा तो है ही है। अब कृष्ण ने बोल दिया, जब शाम को प्रसाद के लिए सब लोग बैठे, तो कृष्ण तो मैया के पास जाते नहीं है, मैया अंदर कमरे में बैठी हुई है। अब रोहिणी मैया पूछ रही खाना किसके साथ खाएगा, कहते बाबा के साथ, सोएगा किसके साथ, बाबा के साथ, खेलेगा किसके साथ, बाबा के साथ, कि तेरी मैया मर गई तो तुरंत उन्होंने मुंह बंद कर दिया, मुंह पकड़ लिया, और क्या है, मुंह पे हाथ रख करके रोने लगे, उनकी गोद में आ गए, और रोहिणी मैया ने कृष्ण को यशोदा मैया की गोद में दे दिया, और यशोदा मैया उनको गोद में लेकर के बहुत रोने लगे, नंद बाबा भी रो रहे हैं, रोहिणी मैया भी रो रही हैं, कन्हैया भी रो रहे हैं, सारा जो वातावरण है वो बिल्कुल क्रंदनमय हो गया, करुण रस। उस समय श्री परम गुरुदेव ये लीला सुन रहे थे, सुनते 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 वो उसमें आविष्ट हो गए, और आविष्ट होकर के उतना रोने लगे वो भी बहुत, और बहुत देर तक रोते रहे, और श्री गुरुदेव उसमें वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से उनको बच्चों की तरह रोने लगे, एकदम क्रंदन करते हुए मैंने कभी नहीं देखा, और उनके शरीर में रोमांच कंप ये सब होने लगे, तो मैंने उस समय उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार देखे, जो कि और अलग अलग समय पर दिखाई नहीं देते थे, बड़ा दुर्लभ। तो ये भी है, ये किसके लक्षण है, ये भावभक्ति के लक्षण, लेकिन ये साधारण व्यक्तियों में आ गया। साधारण व्यक्तियों में भी ये सब दिखाई देते हैं, तो ये क्या है, जो साधारण व्यक्तियों में दिखाई देते हैं वही भावभक्त में भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इस लक्षण के द्वारा भावभक्त है या नहीं है ये पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। तीसरा बताए निसत्व। निसत्व क्या होता है, सत्व है ही नहीं, सत्व है ही नहीं अर्थात कपटी लोग, अरे प्रतीक होता है क्रोध में, नहीं,
तुम भूल गए होगे, कोई बात नहीं, फिर से देख लेना। निसत तो है, जहाँ सब तो है ही नहीं, लेकिन सब तो दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सब बंगाल इत्यादि में बहुत चलता है, हमने तो देखा नहीं है कभी, लेकिन वहाँ लोग बहुत कहते हैं। यहाँ पर भी हमने एक आध बार देखा है जब लोग कीर्तन करते हुए रोने की एक्टिंग करते हैं, है ना, तो वो सब देखा है। नाम नहीं लेना चाहिए भाई, वैष्णव है। तो वो क्या होता है कि भागवत वक्ता लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करना अभ्यास करते हैं, पहले स्टेज पे जाने से पहले ही अभ्यास करके जाते हैं रोने का। और बस आज जो है निमाई की संन्यास लीला सुनानी है, विश्वरूप की संन्यास लीला सुनानी है, तो मैया तो सती देवी हैं, जगन्नाथ मिश्र, उनको बड़ा दुख होगा। तो बस जैसे ही लीला सुनाई और बस रोना शुरू कर दिया और आँख से आंसू बंद ही नहीं होते। और अगर वक्ता श्रोता कम है, चार पांच ही हैं, तो फिर बिल्कुल आंसू नहीं निकलेंगे, फिर कथा चलती रहेगी। ये क्या है, ये कपट है, ये बहुत होता है। और प्रतीक माने होता है क्रोधवश, क्रोध में मुंह चेहरा लाल हो जाता है। और ये जो वैवर्ण है, ये क्या है, भाव भक्त का भी लक्षण है। वैवर्ण मतलब शरीर का रंग बदल जाता है। तो ये जो है, ये चार क्या है, आभास है, भावाभास, इसमें भाव नहीं है, लेकिन इसकी कोई एक्टिंग कर सकता है, इसलिए इनको तटस्थ लक्षण बताया। स्वरूप लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण बताया, उसकी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। शांति अभ्यर्थ कालक्तुम विरक्ति मान सुन, आशा बंदे समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद उपसति स्थले है। शांति, क्षमा कर देना, जैसे हरिदास ठाकुर, इतना मारा उन्होंने यवनों ने, फिर भी उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। कोई साधारण व्यक्ति जगत का ऐसे क्षमा कर सकता है, एक्टिंग नहीं कर सकता है क्या? दो कोड़े पड़ेंगे, सारी एक्टिंग निकल जाएगी, कभी नहीं कर सकता। अव्यर्थ कालत्वम, सदा भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण कीर्तन करना, ये कभी एक्टिंग की नहीं जा सकती। एक दिन करेगा, दो दिन करेगा, तीसरे दिन मूर्छित होकर के गिर पड़ेगा। ये इसलिए स्वरूप लक्षण है, इनके द्वारा भाव भक्त की ठीक ठीक पहचान हो ही जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि कुछ प्राकृत लोग, यानी ये जो अभी बताया, जो कौन से, यही भावाभास वाले जो प्राकृत लोग हैं, वो उन अप्राकृत भावों का अनुकरण करने का प्रयास है। अप्राकृत भाव कौन से, जैसे अभी बताया कि नंद बाबा, यशोदा मैया सभी कृष्ण के प्रेम में रो रहे हैं। जब कृष्ण मथुरा जा रहे हैं उस समय गोपियों की क्या स्थिति है, किसी ने रथ का पहिया पकड़ लिया, कोई रथ के आगे खड़ी हो गई, कोई पीछे से खींच रही है रथ को बढ़ने, कोई रथ के आगे लेट गई, देखो ये फोटो बना हुआ है, उस समय की जो स्थिति है। और जिस समय उद्धव ब्रज में आए हैं और ब्रज में आकर के जब ज्ञान दे रहे हैं, उस समय जो गोपियों ने उनको सब बातें बताई, नंद बाबा यशोदा मैया की उन्होंने स्थिति देखी, तो उद्धव तो बहुत दुखी हो गए, खुद ही दुखी हो गए गोपियों की स्थिति को देख करके। और कहाँ तो ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए थे, और वहीं ब्रज की भूमि में लोटते पोटते रोते हुए इधर उधर घूमते, पागलों की तरह 6 महीने तक घूमते ही रहे। उसके बाद लौट करके गए मथुरा, क्यों, क्योंकि गोपियों का संदेश भी पहुँचाना है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं, जो पूर्ण रूप से अप्राकृत है, जिनका किसी प्रकार से भी अनुकरण संभव नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसलिए इनको बोला सहज, माने तो वही हो गया भाव, जो ब्रजवासियों के भाव है वो सहज है, लेकिन प्राकृत लोग मर्त बुद्धि से उनका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गए, प्राकृत सहज। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे कपटी जीवों के लिए मैं प्राकृत सहजिया शब्द का प्रयोग करता हूं। जो आजकल शब्दों की वैश्यावृत्ति अर्थात नेत स्वार्थों की पूर्ति हेतु शब्दों के वास्तविक अर्थ को अत्यधिक अनुचित ढंग से प्रस्तुत करना साधारण सी बात होगी। क्या बता रहे हैं, शब्दों की वैश्यावृत्ति, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे शब्दों को, शास्त्र के जो शब्द हैं, वैश्यावृत्ति का मतलब क्या होता है,
मतलब पैसा कमाना है ना, शरीर बेच करके पैसा कमाना, ठीक है, शरीर को पैसा कमाने के लिए यूज करना। उसी प्रकार से शब्दों को भी पैसा कमाने के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए यूज करना, जब जहां पर जैसी आवश्यकता है। शास्त्र का एक श्लोक वहीं बोल दिया। कोई व्यक्ति कह रहा है कि महाराज हम तो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, बस भागवत का वो जो श्लोक है बोल दिया, निम्नगानाम यथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभू, कि हाँ शिव जी तो बड़े श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। कृष्ण ने भी उनकी पूजा की थी, देखो वो राम जी ने तो रामेश्वरम में की थी, शिवलिंग स्थापित किया, रामायण का उदाहरण दे दिया। फिर इसमें बता दिया जो कृष्ण द्वारका में जब थे संतान की प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना की, ऐसे ये क्या वैसे अपनी। फिर कोई कृष्ण भक्त आ गया, उसने कहा नहीं नहीं शिव जी तो भक्त हैं, तो हाँ बिल्कुल भक्त हैं, तब तो उसको बोल दिया कि वैष्णवा नाम यथा शंभू, देखो शिव जी तो भगवान नहीं है, शिव जी तो वैष्णव है, इनको वैष्णव रूप में ही पूजा करने से। जो जैसा व्यक्ति मिल गया उसको वैसे शब्द बोल करके पैसा कमाना, धन कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, ये शब्दों की वैश्यावृत्ति। क्योंकि इस समय के अधिकांश लोगों में शब्दों के वास्तविक तात्पर्य को समझने की सामर्थ्य नहीं। गीता को कर्म मूलक बता देना, वो कर्म के कई सारे जो उदाहरण कर्मण्य बाद कारक थे महाफलेषु कदाचना, बस एक श्लोक बोल दिया, और अंत वाला जो श्लोक है सर्वधर्मान प्रत्यज, वो तो बोलना नहीं है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचास्मि तत्त्वतः, मुझे एकमात्र भक्ति से ही जान सकते हैं, ये बोलेंगे नहीं। कर्मी आ गया तो उसके सामने कौन से श्लोक बोल दिए, कर्म वाले। योगी आ गया तो हाँ गीता में देखो भगवान ने बोला है ना, एक आसन पर ऊंचा ना, जो आसन न ऊंचा हो न नीचा हो, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, कमर बिल्कुल सीधी हो, और दोनों जो आंखें हैं उनको भौहों की तरफ देखते हुए, नाक के अग्रभाग को देखते हुए बिल्कुल ध्यान करें, और योगी ऐसा ध्यान लगाए जैसा कि जो वायु रहित स्थान में जैसे दीपक विचलित नहीं होता, ऐसे योगी का मन विचलित नहीं होना। योगी आ गया तो योगी वाली बात है, ज्ञानी आ गया तो ज्ञानी वाली बात है। ज्ञानी आ गया तो उसको बोल दिया, भगवान कह रहे गीता कि जो भक्त को स्थान प्राप्त हो जाता है वो ज्ञान से भी वही स्थान प्राप्त हो जाता है। ये क्या, ये शब्दों की वैश्यावृत्ति है, और लोगों की बुद्धि में तो इतना सब घुसेगा नहीं। इसीलिए कह रहे प्रभुपाद कि आजकल लोगों की उतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो वास्तविक बात को समझ सकें, सामंजस्य कर सकें, वास्तव में भगवान कहना क्या चाहते हैं। जब ये सब बातें श्री प्रभुपाद की रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुनी तो बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि अभूतपूर्व विचार। इससे पहले उन्होंने वो भी और सारे, क्योंकि साहित्य में तो रहते थे और लोगों को, साधु लोगों का भी वचन सुनते थे, लेकिन इस प्रकार की कभी बातें सुनी नहीं, तो बड़े प्रभावित हुए कि हाँ ये तो एकदम नई बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि आप स्वयं विदेश में जाकर के प्रचार करें, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं है, उनकी तो सारी बातें ही एकदम दिव्य हैं, और इन बातों का निश्चित रूप से विदेशियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप योगी, अगर आप स्वयं विदेशों में जाकर के प्रचार करें तो निश्चित रूप से हमारे जो सनातन धर्म है उसका प्रचार संभव है, और वो लोग आपका सम्मान भी करेंगे। तब श्रील प्रभुपाद ने बताया, यदि मैं किसी का विदेश भेजने हेतु चयन करूंगा तो निश्चित रूप से वह मेरे समान ही योग्य होगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उनको बिल्कुल स्टाम्प लगा दिया कि श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो कौन है, वो भी मेरे समान ही है। इसलिए प्रभुपाद के जो पार्षद हैं वो भी सब कौन है, महाप्रभु के द्वारा भेजे हुए हैं, और उनके समान ही योग्य हैं। गुरु अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद को अपने योग्य शिष्यों की कार्य निष्पादन कुशलता पर इतना गर्व था कि उन्होंने उन्हें पाश्चात्य देशों में भेजने का निर्णय किया। प्रभुपाद को पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि ये लोग मेरे समान ही हैं।
इसलिए उन्होंने श्री भक्ति हृदयवन गोस्वामी महाराज जी को वहाँ विदेश में भेजने का निश्चय किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।